ओ हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल टेक वाला बाबू में स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम लोग को बात होने वाला है जो एयरटेल ब्रांड बैंक का भी न्यू अपडेट आ गया है 2020 में, जो गूगल पे फोन पे का तरफ इसमें भी आपको न्यू अपडेट दे दिया है। 7 स्टेप इसमें फॉलो करना है तो उसमें भी आपको कैशबैक मिलने वाला है। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो तो कैसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा है, तो गाइस आप लोग पता करो कैसे हम लोग को भी एयरटेल पेमेंट बैंक का मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना है और एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे YouTube चैनल की तरफ से आप लोग बहुत बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद टेक वाला बाबू की तरफ से, क्योंकि हमारा YouTube चैनल जो है मोनेटाइजेशन हो गया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता है यही जो टेक वाला बाबू, जो मेरा नाम अशोक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। और ऐसा ही मेरे को हमेशा सपोर्ट देते रहो और मैं ऐसा करता हूँ और आप लोग मेरे को सपोर्ट करो। तो सबसे पहले आपको जो न्यू अपडेट आ गया है इसमें, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो देखो, आपको पूरा जानकारी में बता देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसमें देखो फास्टैग बोल के ऑप्शन आ गया है जो 2020 में आ गया है फास्टैग, तो ये आपका न्यू अपडेट है। फ्री में आपको फास्टैग इसमें ऑर्डर करने का सुविधा मिल जाता है। इसमें आपको देखो क्या बोलो 450 रुपये जो पेटीएम में लगता है 500, इसमें आपको 450 रुपये में हो जाता है। इसमें RC फ्रंट RC बैक साइड डालना है, इसमें वेजुकल जो नंबर होता है रजिस्ट्रेशन नंबर हमें डाल देना है। तो और आपका जो फर्स्ट स्टेप जो हम लोग को आ गया है, जो 7 स्टेप पार करने से हम लोग को कैशबैक मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे, तो शायद आप लोगों को पता हो जाएगा, उसी लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो इसमें आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑप्शन आ जाता है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक में क्लिक कर देना है क्योंकि ये न्यू अपडेट आ गया है। इधर से भी आप बैलेंस विड्रॉल बेस में देखो रिचार्ज में आपको 20% कैशबैक मिलेगा। इसमें अमेजन पे का तरफ से रिचार्ज करेगा एयरटेल में तो इसमें भी आपको कैशबैक मिलेगा। तो इसमें आपको देखो मेरा 12 रुपये में बैलेंस शो कर रहा है क्योंकि देखो ये न्यू अपडेट दे दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग देखो न्यू ईयर एक्सलेट जो इसमें ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन जो है 2000 रुपया का कैशबैक मिलेगा एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से। तो इसमें शॉप नाउ में क्लिक करेंगे, शॉप नाउ में क्लिक करने के बाद इसमें आपका पूरा जो डैशबोर्ड होता है इसमें आपको खोल जाता है। प्लाट जो होता है इसमें 200 रुपया कैशबैक है, 150 रुपया आप इसमें शॉपिंग करेगा तो इसमें आपको इतना कैशबैक मिलने वाला है। तो ऑटो रिफलमेंट जो है इसमें, मूवी फ्यूचर, इसमें बहुत बहुत सर्विस मिल जाता है आप लोगों को। तो सबसे आसानी बोलो तो इसमें मेरा हिसाब से बोलो तो इसमें जो भी एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से काम करेगा बोलो तो बैलेंस ट्रांसफर करेगा, एक्सेप्ट करेगा, सबसे ज़्यादा आप लोगों को होता है सबसे ज़्यादा इसमें जो वे होता है फ़ायदेमंद। तो एयरटेल पेमेंट बैंक भी ये सुविधा दे दी है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता है एयरटेल पेमेंट बैंक लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत ऐसा भाई लोगों को कमेंट आया था मेरे को एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो का छोटा छोटा करके हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो शुरू से एक लास्ट तक इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों को भी शायद पता होना चाहिए कैसे हम लोग जो एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट मिले, वो भी आपको निःशुल्क में, कोई आपको चार्जेस नहीं लगेगा, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखो इसमें आपको ATM विड्रॉल जो ऑप्शन आ गया है इसमें भी आप बैलेंस विड्रॉल करने का सुविधा मिल जाता है। देखो ये वाला ऑप्शन ATM विड्रॉल, ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, ATM विड्रॉल ऑप्शन में आ जाना है, इसमें आपको बैलेंस विड्रॉल का सुविधा मिल जाता है क्योंकि मेरा भी फिंगरप्रिंट डिवाइस रजिस्टर करके रहने रखा है, नहीं तो आप लोगों को मैं देखा देते हैं कैसे बैलेंस विड्रॉल करना पड़ता है। लेकिन इसमें कैशबैक कमीशन के लिए बोलो तो इसमें सबसे हाई क्वालिटी में कमीशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में ID लेने के लिए। अरे ये जो सर्विस है बहुत बड़ा अभी मार्केट में चल रहा है, धूमधड़क से चल रहा है क्योंकि ये अभी 2020 में आ गया है, उसीलिए सबसे ज़्यादा अभी कीमती होने वाला मेरा हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए एयरटेल जो लेके आएगा जियो कंपनी भी इतना सर्विस देने को नहीं होगा, क्योंकि देखो जियो कंपनी बहुत फ्रॉड कंपनी है, मेरा हिसाब से जियो कंपनी इतना क्लियर नहीं है। मेरा हिसाब से एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत अच्छा है, एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया का, भारतीय नेटवर्क है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट ले लो, कोई आपको चार्ज देने को नहीं पड़ेगा, इसमें आपको कोई निःशुल्क में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है, ये आपका सेविंग अकाउंट है। तो आपको मैं बताऊंगा आपका जो मोबाइल बोलो तो फुल केवाईसी नहीं है, तो आपको सैंपल जाना है मोर ऑप्शन में, मोर ऑप्शन में जाने के बाद इसमें आपको क्लिक कर देना है, इसमें सबसे नीचे आ जाता है लोकेशन बोल के ऑप्शन, इसमें बैंकिंग, इसमें माई एयरटेल, तो आपको लोकेशन में क्लिक कर देना है। लोकेशन में क्लिक करने के बाद इसमें 3 ऑप्शन आ जाता है, एयरटेल स्टोर, बैंकिंग स्टोर, शॉप नियर मी, तो आपको जाना है एयरटेल स्टोर में। एयरटेल स्टोर में जाने के बाद इसमें आपका एरिया का जितना डिस्ट्रीब्यूटर बोलो तो डिटेलर है बोलो तो एयरटेल स्टोर बना के रखा है जो एयरटेल नियर बाई KYC पॉइंट, आपका इसमें पूरा शो हो जाता है। लेकिन देखो पेटीएम पेमेंट
बैंक का क्या होता है, केवाईसी एजेंट एक ही होता है। अर्ज में आपको एक बार केवाईसी करेगा तो आप भी खुद दूसरे को केवाईसी करने का सुविधा मिल जाता है। सबसे बेहतर ये है जो आपका एरिया में जो भी पिन कोड है आप पिन कोड डाल देना इसमें, तो मेरा इसमें पिन कोड जो है इसमें पिन कोड डाल देंगे तो मेरा ऑटोमेटिक मेरा एरिया का जो पिन कोड है सब भी मेरा एरिया का जो एयरटेल पेमेंट बैंक का ये है सभी आ जाएगा। ठीक है, देखो मेरा इसमें एरिया का जितना एयरटेल पेमेंट बैंक का स्टोर है सब भी आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं होता है। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है एयरटेल पेमेंट बैंक कभी भी पैसा नहीं लेता है, तो आप लोग कोशिश करना आपको भी मिल जाएगा। तो जो 7 स्टेप मैं बोला था 7 स्टेप आपको ऐसे ही फॉलो करना है तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो बैंकिंग में चला जाना है, इसमें आपको ऊपर शो करेगा, इसमें देखो इसमें भी आप बैलेंस ट्रांसफर करेगा उसमें भी आपको कैश नहीं मिलेगा। अब आप पार्ट ट्रांजेक्शन में आपको रिचार्ज करेगा तो उसमें आपको बहुत बहुत कमीशन मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को छोटा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मैं देखो रेफर एंड अर्निंग भी इसमें आप कमा सकते हैं। इसमें किसी को भी किसी फ्रेंड को भी आप रेफर करेगा एयरटेल पेमेंट की तरफ से इसमें आपको 25 रुपया कैशबैक मिलेगा। देखो इसमें 250 इसमें बोल रहा है इसमें 25 रुपया कैशबैक मिलेगा। तो सैंपल में क्या करेंगे व्हाट्सएप में चला जाएंगे, व्हाट्सएप में जाने के बाद किसी को को शेयर कर देंगे, वो बंदा क्या करेगा वो डायरेक्ट एयरटेल पेमेंट बैंक का जो ये है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा तो उसको पैसा मिलेगा, मेरे को भी पैसा मिलेगा शायद। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी दे दिया है। तो देखो मैं अभी क्या करेंगे, मेरा को जो कमीशन था 25 रुपीस मेरा पास आया है नहीं आया है देखेंगे। ठीक है, तो वो जब भी मेरा बैलेंस बोलो तो इसमें देखो अपेरेंट डैशबोर्ड जो इसमें शो हो रहा है तो इसमें मेरा बैलेंस जो है ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये एयरटेल पेमेंट का बहुत बड़ा UPI सिस्टम दिया है 25 रुपये कैशबैक पाने का। तो मैं शायद आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो को देख के बहुत पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और हम लोग लेके आता है और नया नया अपडेट। तो गाइस वीडियो इतना है, क्योंकि आपको भी एयरटेल पेमेंट बैंक का बिजनेस एजेंट चाहिए तो आप जा सकते हैं नियर बाई KYC पॉइंट में। आपका मोबाइल में बोल दिया इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, आपको पता हो जाएगा। तो गाइस वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।